सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जिंदगी में अपनापन तो हर किसी को दिखता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीप की है कि उसे मीठा पसंद है। आज का पंचांग 1 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार, अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, दोपहर 1:09 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 3:56 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 1 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार, आप हंसी मजाक के मूड में हैं। अपनी इस विशेषता को बनाए रखें जो आपको मुश्किल समय में भी चिंता मुक्त रखती है। आप अपनी सक्रिय प्रवृत्ति के कारण एक बिजनेस डील हासिल करने में कामयाब होंगी। कोई आपसे प्रोत्साहन चाहता है, उसके मेंटर बन जाए। अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मछली खाते हुए सावधान रहें। इस समय कोई भी निर्णय दिमाग से ले वरना भावनाओं में बहकर नुकसान कर सकती हैं। अचानक से ही कोई रखी हुई पेमेंट आने से या कोई काम बनने से बहुत अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगी। अभी तक आपका जो लक्ष्य था उसमें बदलाव हो सकता है। फोकस और एकाग्रता बढ़ने की वजह से बड़े मुकाम को हासिल कर पाना संभव हो सकता है। आध्यात्मिक बातों की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा। कार्यस्थल पर लोगों के साथ ठीक से संवाद बनाए रखें, व्यर्थ जीत मनवाने की कोशिश ना करें। पार्टनर एक दूसरे को ठीक से समझने की कोशिश करें। कफ और सर्दी की तकलीफ बढ़ती हुई नजर आएगी। सावधानियां, कुछ चुनौतियां बनी रहेगी, धैर्य बनाए रखें, अन्यथा आवेश में आकर संबंध खराब भी हो सकते हैं। किसी प्रकार की यात्रा अथवा बाहरी गतिविधियों को आज स्थगित ही रखें, क्योंकि कोई सकारात्मक परिणाम मिलने की आशंका नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। विपरीत लिंगी मित्रों से दूर रहें, क्योंकि इसका असर घर की सुख शांति पर पड़ सकता है। आपके रिश्ते में हाल फिलहाल काफी उलझने रही हैं और आप अपने पार्टनर के इशारे या जो वह आपको समझाना चाह रही हैं वह नहीं समझ पाए हैं। आज आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आप इसके आधार पर कोई निर्णात्मक कदम भी उठा सकती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए शांति बनाए रखें। बात करते हैं करियर की। आज आपका भाग्य सट्टा व्यापार एवं उससे जुड़ी चीजों में आपका साथ देगा। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो आज के दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा जिससे आप उचित निर्णय ले पाएंगे। ये निर्णय आपकी वित्तीय जरूरतों पर भी आगे जाकर अच्छा प्रभाव डालेगा। आज के दिन भूमि निवेश के लिए फायदेमंद रहेगा। साझेदारी से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है, लेकिन मौजूदा कामों को ही पूरा करें। भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं अभी स्थगित ही रखें। मार्केटिंग संबंधित कार्यों को करने में स्वयं की अपेक्षा पार्टनर या सहयोगी की हेल्प ले तो ज्यादा उचित रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से अपने डाइट में काफी सारे अंतर लाने के बारे में सोचते रहे हैं, लेकिन कई तरह के संदेहों ने आपको रोक रखा है। आज आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए क्या करते रहना है। इससे आपकी जीवन शैली पूरी तरह बदल जाएगी। जो नया तरीका आप अपनाने वाले हैं वो शुरुआत में अजीब सा लगेगा, पर आपके लिए सबसे लाभदायक यही है। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें।
आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी का पाठ करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।